कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, जिसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आज दोपहर देहरादून के चकराता के क्वासी के पास बादल फटा है, जिसमें दो मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने प्रदेश में पहले से ही भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। SDRF के DIG की माने तो अभी तक बादल फटने वाली जगह से 3 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें 2 लड़कियों के शव भी शामिल हैं। हालांकि अभी SDRF की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज मॉर्निंग में बादल फटने की सूचना प्राप्त हुई थी चकरौता में क्वासी के पास, और हमें जो प्रारंभिक सूचना मिली थी उसके अनुसार 2 मकान जो हैं वो ढह गए थे और उनमें 3 लोगों के लापता होने की सूचना थी। अभी फिलहाल जो अपडेट है, 3 बॉडीज़ को रिकवर कर लिया गया है। SDRF की टीम्स मौके पर हैं, जिसमें 1 मेल है और 2 लड़कियां हैं। देखिए, जो प्रारंभिक सूचना के अनुसार अगर हम देखें, घरों को जो नुकसान पहुंचा है वो 2 घरों को नुकसान पहुंचा है। हमारे पास 3 डेड बॉडीज़ की भी सूचना प्राप्त हुई है जो रिकवर कर ली गई हैं। अन्य का आंकलन जो है वो किया जा रहा है।